आज है ईशान का बर्थडे और आज है वेनसडे, तो आज सुबह सुबह मैं इतना बिजी थी कि वीडियो ही नहीं बनाई और कुछ भी नहीं हुआ। तो सुबह सुबह काम ख़त्म करके मैं गई थी स्कूल ईशान के, वहाँ से आई तो फिर एक ब्लाउज काटा, फिर उससे सिलाई किया, फिर खाना वाना भी बनाई, तो खाओ के अभी थोड़ा सा रेस्ट की थी मैं और ईशान को भी सोला थी, वो सो जाएगा तो फिर आराम से काम करूँगी। तो अभी जा रही हूँ बनाने और क्या बनाऊँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी ही। और आज सुबह से लाइट नहीं है, पता नहीं कब आएगा ये देखिए, तो अब बैटरी भी चार्ज नहीं है, चार्ज करना पड़ेगा बैटरी को भी। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, ममता सिंह ब्लॉग में। और ये देखिए डेकोरेशन करने में सब लोग बिजी हैं, बलून को फुला रहे हैं ठीक से, और सारे बलून फुला के इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद डेकोरेट करेंगे। तो चलिए इन लोग को छोड़ते हैं डेकोरेशन के लिए और मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में बहुत सारा काम है तो वो मैं निपटा लूँ, क्योंकि शाम को बर्थडे मनाना है ईशान का, तो उससे पहले मैं फ्री हो जाऊँ ये खाना वाना बना के। तो यहाँ पर जितने फुला नहीं रहे हैं उतने खेल रहे हैं, देख सकते हैं। तो सोनी अच्छे से सजा देगी। तो यहाँ पर मैंने सारे सब्जी जितने भी हैं उतने मैं रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर आलू बॉयल हो रहे हैं और ब्रेड है, और ये देखिए तड़का लगा रही हूँ सरसों, कसूरी मेथी, तेज़पत्ता और लाल मिर्च, और इसमें मैं डालूँगी अदरक, और बिना लहसुन प्याज के मैं बना रही हूँ ये, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे तो वो लोग नहीं खाएंगे, अभी नवरात्रि चल रहा है, तो इसे मैं फिर अदरक डाल रही हूँ। ये अदरक सौंप दिया है मैंने, और अब इसमें मैं ये गाजर जो किया हुआ डालूंगी, इसको मीठापन आएगी, और फिर मटर, तो इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी उसके बाद। और ये देखिए लाइट भी चली गई है, सुबह से नहीं है, तो इसमें मैंने मटर डाल दिया है और मसाले डाल दूँगी इसमें, जीरा थोड़ा सा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर, और अच्छे से फ्राई कर लूँगी इसको, उसके बाद इसमें आलू डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स मसाले बनके रेडी हो गए हैं, और लाइट नहीं था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मोबाइल के टॉर्च से उतना अच्छा नहीं बन रहा था। तो ये देखिए लाइट आया था, मैं स्टार्ट कर दी हूँ ये बनाने के लिए। तो यहाँ पे से वो, तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ ब्रेड कटलेट, ये देखिए, और उस समय लाइट नहीं था तो मैं पूरा वीडियो नहीं शूट कर पाई इसका रेसिपी का। तो बस ये देखिए मैंने मसाले यहाँ पर रेडी करके रखा है, और ये देखिए दीबू आई है बर्थडे विश करने के लिए, अभी सो के उठा ईशान। और ये देखिए आइसक्रीम में डाल के ये वाटर मिलन, इसका फिर से जमाएंगे आइसक्रीम, तो सभी बच्चे का फेवरेट है ना। हाँ, आइसक्रीम है, यस खाएंगे सब बच्चे, आइसक्रीम है मेरा। और दोनों फेवरेट चीज़ उसमें है, पास तो जम के खाएगी थी वो। तभी ये सब बना लूँ मैं, फिर ईशान को तैयार करूँगी, और हाँ सोनी ने इतना डेकोरेट कर लिया है और इतने सारे बलून हैं, तो अभी करने जा रही है सब ठीक ठाक। ईशान उठ गया है, बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो ये जा रहा है फ्रीजर में फ्रीज होने। बाकी के फिर रखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी और खाना भी पक चुका है, खाना नहीं तो बना दी हूँ मैं ये ब्रेड कटलेट, और ये रही दीबू, सब रेडी होकर आ गए हैं, बस और कुछ लोगों का इंतजार है, फिर केक कटेंगे है ना, केक कटिंग होगा। हाँ ये है दीबू और दीक्षु, सॉरी सभी मैं रेडी वेडी होके दीक्षु क्या करने जा रही हूँ सिलाई, क्योंकि कल देना है मुझे। चलिए ईशान को दिखाती हूँ रेडी होके कैसा लग रहा है। ओके ईशान, लक्षित भी है, करो विश करो। बम फायर का बैलून फटल है ना, कूद के बैठ गए ऊपर। ईशान रेडी हो गया है और खेल रहा है यहाँ पर, और कुछ मेहमान का इंतजार कर रहे हैं हम लोग, जब आ जाएंगे तो फिर केक कटिंग होगा। और ये देखिए डेकोरेशन, अनन्या जूता पहन के रहो, मोजा क्या, अर्णव चप्पल मत उतारो, पहन के रखो। अरे बाबू प्लास्टिक,
तो फ्रेंड्स इतना बिजी होते हुए भी थोड़ा सा टाइम निकाला बर्थडे मनाने के लिए, क्योंकि अभी भी सिलाई का टेंशन है, मुझे बहुत सारा सिलना है ब्लाउज़। तो फिर भी सोची कि नहीं, लास्ट ईयर भी मैंने बर्थडे नहीं मनाया था ईशान का, तो इस बार सोची कि मनाएंगे। और ठीक एक दिन पहले ही डिसाइड किया कि चलिए चलो मना लेते हैं, तो फिर हम लोगों ने फटाफट से सब कुछ तैयारी किया। तो उतना अच्छा से नहीं हुआ, फिर भी जितना सके उतना किए हम लोग, और थोड़ा बहुत नाश्ता का इंतज़ाम ही किया, खाना का नहीं किया, क्योंकि मेरा इतना सिलाई है, मैं टेंशन में थी उतना नहीं बना पाऊँगी शायद, इसलिए मैं सोची कि चलो नाश्ता ही बना देते हैं। तो बस इतना ही बनाया और ईशान का बर्थडे मनाया। तो चलिए आप भी सेलिब्रेट करिए हमारा ईशान का बर्थडे और विश करिएगा इसे। तो आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा ये छोटी सी पार्टी, ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो, आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। हम घर से निकलने
ढाई बजे के आसपास हो गया बर्थडे। ये बिस्किट है बाबू, खा के देखो। प्रसाद नहीं है, हाँ बिस्किट है। बिस्किट है? यस बिस्किट है, खा के तो देखो। नहीं नहीं बिस्किट है। तो फ्रेंड्स अच्छे से पार्टी हो गया है और सब लोगों को नाश्ता वास्ता करा दिया है हम लोगों ने। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।